नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में ठंड के दौरान नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। बिहार को जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना बंद। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आ गया है मौका। बिहार में डेंगू के मामले में कमी। ब्रेटली ने बताया कोहली कितने साल और खेल सकते हैं क्रिकेट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में ठंड के दौरान नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया गया है कि अगर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बिजली कंपनियों की अनुमानित बिक्री 32,587.01 मिलियन यूनिट रही तो 48.79 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की जा सकेगी, लेकिन अब यह वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में की जाएगी। बता दें कि इसी फैसले को 14 अक्टूबर 2022 को लिया गया था, जिसे आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा के द्वारा बीते सोमवार को जारी किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार से मिले अनुदान को स्वीकार करते हुए कंपनी के अन्य सभी तर्कों को खारिज कर दिया और बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए दायर की जाने वाली जनहित याचिका में इस अनुदान को शामिल किया जाएगा। बिहार को जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलना बंद। बिहार को इस साल 4,000 करोड़ से हाथ धोना पड़ा। बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से बिहार को यह क्षति पहुंची है, जिसका खामियाजा बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य को भी भुगतना पड़ेगा। बताते चले कि अगर कुल लोक ऋण 40,756 करोड़ राशि की क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो इस राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है। 2017 को जीएसटी लागू होने के दौरान यह तय किया गया था कि राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा, लेकिन अब केंद्र ने शेष वसूले जाने की अवधि बढ़ाकर जुलाई 2026 तक के लिए कर दी है। अब इस राशि से केंद्र सरकार कोरोना काल में राज्यों को दिए ऋण की कैपिटल और सूद की भरपाई करेगी। वहीं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को 2027 तक बढ़ाने की मांग करेगी। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आ गया है मौका। वैसे युवा जिन्होंने अब तक अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया है, उनके लिए मौका आ गया है। बता दें कि बिहार में मतदाता सूची पे पुनर्निरीक्षण अभियान की शुरुआत नवंबर महीने में ही होने वाली है। बीते दिन सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम साझा करते हुए सभी बीएलओ और निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को त्रुटि रहित कार्य करने का निर्देश दिया है। इसके लिए युवा 8 दिसंबर तक अपना नाम दर्ज करवाने के लिए प्रपत्र 6 में नए वोटर के लिए आवेदन दे सकते। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 12 से 13 नवंबर तथा दिसंबर में 3 और 4 तारीख को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। बिहार में डेंगू के मामले में कमी। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ साथ डेंगू के मामले में भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात किया जाए तो यहां भी मामले में कमी आई है। बीते दिन सोमवार को जब यहां के अस्पतालों में डेंगू से जुड़े मरीजों के प्रतिशत निकाले गए तो यह पाया गया कि पीएमसीएच में 65 लोगों की जांच की गई, जहां 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एनएमसीएच में 102 लोगों में 29 और आईजीआईएमएस में 62 में से 18 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 5,972 लोग डेंगू के चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि बिहार के जिस जिले से मामले अधिक आते थे वहां भी रोगियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। कार्तिक पूर्णिमा में घाटों पर दिखी भीड़। आज मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नदी में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान गंगा के घाटों पर रात से ही लोगों का मेला लगना शुरू हो गया था, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रग्रहण लगने की वजह से हजारों लोगों ने बीते दिन सोमवार को ही गंगा स्नान कर लिया। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मंगलवार की सुबह गंगा स्नान किया है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में प्रशासन की ओर से 55 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए प्रबंध किया गया था। इसके अलावा 183 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की भी तैनाती की गई थी। वहीं गंगा नदी में पेट्रोलिंग के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 9 टीमों को लगाया गया था। 3 विभागों में फंसी रही नल जल योजना। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना 3 विभागों के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि नल जल योजना को 3 विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है, जिनमें आवास विभाग, पंचायत राज्य विभाग और पीएचईडी विभाग शामिल है। ऐसे में इस योजना को ठीक करने की सोच को लेकर राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब इस योजना को 3 विभाग नहीं बल्कि केवल 1 विभाग पीएचईडी के तहत ही संचालित किया जाएगा। बताते चले कि 3 विभागों के द्वारा इस योजना को संचालित करने की वजह से काम को सही समय और सही ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा था। पंचायती राज योजना की ओर से काम नहीं होने पर आपत्ति जताई जा रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अंतिम सफर के लिए दुल्हन की तरह सजी हथनी।
शेखपुरा के बड़भिग्गा प्रखंड अंतर्गत केवटी पंचायत के मिल्कीचक नामक गांव में 46 साल की एक हथनी की मौत हो गई। बता दें कि यह हथनी इसलिए खास थी क्योंकि उसे साल 1978 में 10,000 में खरीद कर गांव के जमींदार को उनकी शादी पर दहेज के रूप में दी गई थी, जिसके बाद गांव के जमींदार सूर्यमणि उस हथनी की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। हथनी के मौत के बाद उसे उसके अंतिम यात्रा के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके बाद उसके शव को सूर्यमणि सिंह के हाथी खाना और उनके दलान के बगल में अंतिम संस्कार कर दफन कर दिया गया। बताते चले कि हथनी अनारकली न केवल उक्त गांव बल्कि वर्तमान में शेखपुरा जिले के लिए भी शान की बात थी। बिहार के स्कूलों में होगी साइबर क्राइम, बैंकिंग और इंश्योरेंस की पढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि वित्तीय साक्षरता संबंधी विषय को 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिसके बाद बिहार के 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइबर क्राइम और वित्तीय लेनदेन का पाठ शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को वित्तीय अपराध से जुड़ी जानकारी देना है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इन विषयों की पढ़ाई अगले सत्र से शुरू की जाएगी। इसके लिए तैयार की गई किताबों की छपाई भी शुरू कर दी गई है। इसमें विद्यार्थियों को बैंकिंग से जुड़ी सभी सामान्य बातों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर आज लग रहा चंद्र ग्रहण। आज यानी कि 8 नवंबर को एक तरफ जहां कार्तिक पूर्णिमा है, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र व मेष राशि में इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही चालू हो जाएगा। बताते चले कि ग्रहण लगने का समय शाम 4:59 बजे से शुरू हो रहा है जो 6:19 बजे खत्म होगा। इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद रहते हैं। वहीं जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति होती है तो ज्योतिषियों का कहना है कि गंगा जल से स्नान कर लेना चाहिए और साथ ही पूरे घर में इसका छिड़काव भी करना चाहिए। स्टार्टअप के लिए 10,000 आवेदनों में 100 का चयन। बिहार के स्टार्टअप के लिए उद्योग विभाग के द्वारा की गई स्क्रीनिंग के बाद यह सामने आया है कि इसके लिए 10,000 आवेदन दिए गए थे, जिनमें से केवल 100 आवेदनों का ही चयन किया गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि स्टार्टअप के लिए अप्लाई करने वालों में गंभीर लोगों की कमी थी। हालांकि स्टार्टअप आवेदन के बाद आवेदकों का लिखित परीक्षा भी लिया गया था। बता दें कि स्टार्टअप के लिए नए आवेदन 1 दिसंबर से मांगे गए हैं। वहीं इससे जुड़ी पॉलिसी जून 2022 में प्रभावित की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पटना के मौर्य लोक और फ्रेजर रोड स्थित स्टार्टअप बिजनेस सेंटर के नाम से कोवर्किंग स्पेस का निर्माण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के जन्मदिन वाले पोस्टर से पटा पटना शहर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 9 नवंबर को अपना 33वां जन्मदिन मनाएंगे। उससे पहले जन्मदिन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जन्मदिन से 2 दिन पहले ही पूरा पटना शहर तेजस्वी यादव के पोस्टर से पट गया है। शुभकामनाएं देने के लिए कार्यकर्ता और नेता पूरे पटना में पोस्टर लगा रहे हैं। इन नेताओं में उत्साह ऐसा है कि जहां पर जन्मदिन के पोस्टर लगाए गए हैं, वहां पहले से जनता दरबार का पोस्टर लगा हुआ था। जहां मुख्यमंत्री का जनता दरबार चलता है, वहां आसपास भी तेजस्वी यादव के पोस्टर लगाए गए हैं। लंबे अरसे बाद साथ दिखे सीएम नीतीश और आनंद मोहन। बीते दिन सोमवार को लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुलाकात हुई। इनकी यह मुलाकात आनंद मोहन और लवली आनंद की बेटी सुरभि आनंद की सगाई में हुई है। ऐसे में यह चर्चा होने लगी है कि अब जल्द ही आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की भीड़ द्वारा की गई हत्या मामले को लेकर निचली अदालत के द्वारा मौत की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में दिसंबर 2008 में हाईकोर्ट के द्वारा मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। फिलहाल उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 दिनों के लिए पैरोल मिली है। शराब पीने वालों से भर रही बिहार की जेलें। बिहार की सभी जेलें शराब बेचने वाले से ज्यादा शराब पीने वाले से भर रही है। इसी को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन सोमवार को मदद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के बाद अफसरों को निर्देश दिया है, जिसके बाद समीक्षा बैठक के मुख्य सचिव ने बताया कि अब शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि अब शराब की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने पर फोकस किया जाएगा। जब से शराब पीने वाले से जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है, तब से शराब बेचने वालों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चले कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में शराब पीने वाले 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर साल की बात करें तो इस वर्ष 60,000 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत पकड़ा गया है। ब्रेटली ने बताया कोहली कितने साल और खेल सकते हैं क्रिकेट।
बीते 5 नवंबर को भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली 34 साल के हो गए हैं। ऐसे में वे और कितने समय तक क्रिकेट खेलेंगे, इस पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज ब्रेटली ने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विराट कोहली के अंदर खेल के प्रति नैतिकता है और जिस तरह से उनकी फिटनेस है, उससे मुझे लगता है कि वे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 3-4 साल और खेल सकते हैं। 34 साल की उम्र में ज्यादातर क्रिकेटरों की आंखें सुस्त हो जाती है, उनके शरीर में उतनी तेजी नहीं रह पाती, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के प्रशिक्षण, फिटनेस और तैयारी के साथ उनका करियर अभी शुरू ही हुआ है। विराट कोहली 3-4 साल और खेलते हैं और एक साल में 10 शतक लगाते हैं तो ये उन्हें सबसे अलग बना देगा और मैं उनके लिए ये सपना देख रहा हूँ। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 88 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। वहीं गया में पेट्रोल के दाम में 12 पैसे और डीजल में 10 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़त देखी गई है। पूर्णिया में पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, आरा, मोतिहारी, गोपालगंज, जहानाबाद, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, छपरा, सीतामढ़ी, हाजीपुर और बेतिया में भी तेल के रेट में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भागलपुर समेत कुछ जगहों पर तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जिन जिलों में तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट किया गया है, उसमें बेगूसराय शामिल है, जहां पेट्रोल 107.05 रुपए और डीजल 93.83 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नीतीश गोप, मोहम्मद सकीर हुसैन, अजीमा फिरदौस, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, कुंदन कुमार, मुतुरंगीला, सुशील कुमार, राजकुमार प्रसाद, कुलदीप कुमार, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, विपिन गुप्ता, मनीष। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार के स्कूलों में साइबर क्राइम, बैंकिंग और इंश्योरेंस की पढ़ाई होने से छात्रों को क्या लाभ मिलेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।